हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो लाइफ पोर्ट्रेट बनाई जाती है, और मतलब अगर आप कहीं भी चले जाते हैं, जैसे कि अपने इंडिया में दिल्ली में हो गया, जैसे कि सीपी हो गया, कनॉट प्लेस, और इंडिया गेट पर बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं लाइव स्केचिंग करते हैं और अच्छा खासा पैसे मिल जाते हैं उनको लाइव स्केचिंग करने के बाद। तो मतलब ये सब इंडिया में जो है अभी तक इतना वो पॉपुलर नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें जो कि हम लोग बाहर देखते हैं, स्केचिंग से पैसे लोग कमाते हैं, लाइव स्केचिंग से, मतलब स्ट्रीट पे बैठ जाते हैं और लाइव स्केचिंग से पैसे कमा लेते हैं, और मतलब टैलेंट दिखाते हैं जो उनके पास टैलेंट है स्केचिंग का या ड्राइंग बनाने का। या आपने कैलीग्राफी देखी होगी कि बहुत सारे लोग कैलीग्राफी करते हैं। तो आज भी हम इस वीडियो में मतलब ये देखने वाले हैं कि किस तरह से लोग लाइफ पोर्ट्रेट बनाते हैं बाहर देशों में, इंडिया में नहीं। इंडिया में तो मतलब लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं अगर हम लोग बिना पूछा किसी का बनाने लगते हैं, और मतलब अगर हम किसी मतलब फीमेल का बना दे तो और भी दिक्कत हो जाती है। तो यही अगर हम देखते हैं कि बाहर देशों में, जैसे कि US वगैरह हो गया, और यहाँ पर लोग स्केचिंग बनाते हैं, लाइफ पोर्ट्रेट बनाते हैं, कहीं पर भी सबवे में हो गए, मेट्रो में हो गए, तो इसी वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि कैसे कोई ऑफेंड नहीं होता है और किस तरह से लोग लाइव स्केचिंग करते हैं पीपल को देख के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Today is my last day in New York City. My last day in New York City, and I want to do a cool project called the Sketchbook Project. Sketchbooks just like this. तो गाइस, ये जो है जा रहा है बंदा, मतलब सबवे जा रहा है ये न्यूयॉर्क सिटी के, और वहाँ जाके पोर्ट्रेट बनाएगा, शायद लाइव पोर्ट्रेट बनाएगा। एज अ थंबनेल में तो इसने यही लिखा है, मतलब टाइटल में तो इसने यही लिखा है, ड्राइंग पोर्ट्रेट इन न्यूयॉर्क सिटीज। अगर हम लोग अगर जैसे कि मेट्रो में अगर हम मतलब अगर कोई बनाते हैं, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, मतलब लड़ाई करने लगते हैं कि किस तरह से बिना पूछे तुमने मेरी तस्वीर बना दी और ये खाना ढिमकाना। इंडिया में तो खैर अभी तक उतने लेवल पे नहीं गई है स्केचिंग वगैरह जो होती है, आर्ट को लेके जो लोगों की थिंकिंग है इंडिया में इतनी ऊपर तक नहीं गई जितनी बाहर है। तो ये इसने बनाने स्टार्ट कर दिए। सो रहा भाई, इसकी बनाएगा क्या? बनवाते भी हैं लोग, मतलब अगर जैसे कि लोगों को आपने देखा होगा कि लोग कह के बनवाते हैं कि भाई आप मेरी एक पोर्ट्रेट बना दीजिए, लाइव पोर्ट्रेट में इस तरह से पोज दे रहा हूँ, और ऐसे ही काइंड में लोग बना देते हैं। ओ भाई साहब, ज़बरदस्त बना दिया यार इसने तो, मिनट में दिखा रहा है। अगर अपन लोग ट्राई करेंगे तो अपन लोग तो जूते खाएंगे ओके खिड़कियों से भी, और पता नहीं किस किस से आदमी वगैरह जो कि बिना पूछे बना दिया ये फलाना ढिमकाना। बहुत ज़बरदस्त बना दिया भाई, मतलब क्विज स्केचिंग जो होती है वो बनाते हैं लोग बेसिकली। क्विक स्केचिंग में जो है टाइम नहीं लगता है, और मतलब ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं होती, बस मतलब जो जैसे कि हम लोग बनाते हैं फ्री स्टाइल जो बोलते हैं उस तरह से क्विक स्केचिंग होती है। लाइब्रेरी में आ गया ये, लाइब्रेरी ज़बरदस्त है। यार मैंने तो कभी ट्राई भी नहीं करी है मतलब लाइव स्केचिंग, अब जैसे कि कोई पोर्ट्रेट वगैरह होता है या फ़ोटो को देख के मैं बना लेता हूँ बस, मतलब फ्री स्टाइल तो मैंने ट्राई ही नहीं करा जैसे कि ये बना रहा है। ज़बरदस्त बना दी भाई इसमें तो, बिंदे की फ़ोटो। इसकी बना रहा है, और लोग मतलब अभी ये वीडियो ख़त्म हो जाए मैं आपसे एक बात करूँगा।
white, Latino, Indian, whatever. Great for drawing. यार काफी रश होता है यार इनकी मेट्रोज में भी, मतलब इनके सब रोज में भी. अच्छी बात है कि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं रेदर देन इनके ओन जो होते हैं अपने व्हीकल जो होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं. पोल्यूशन का भी सबब बनता है ये, और ज़बरदस्त बनाई है भाई. अच्छा ये जो पोर्ट्रेट दिखा रहा है ये इसने बनाई है, लाइव पोर्ट्रेट्स जो बनाई हैं इसने वो ये दिखा रहा है. ज़बरदस्त भाई, सारी ज़बरदस्त बनाई है. बहुत ज़बरदस्त. तो गाइस ये थी मतलब वीडियो की किस तरह से इसने लाइव पोर्ट्रेट बनाए हैं और लोगों को बिना ऑफेंड करे, मतलब लोग बुरा भी नहीं माने अगर इसने बनाई है तो, लोग बुरा भी नहीं माने अपन मतलब हम लोग के मतलब इंडिया में जैसे कि नॉर्मली जो होता है अगर हम किसी लड़की का या बना देते हैं या किसी आदमी का बना देते हैं या मतलब ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई क्यों बनाया बिना पूछे मेरा क्यों बना दिया फ़ोटोज़, और बहुत तरह की परेशानियां होती हैं जैसे कि लोग मतलब केस फेस भी कर देते हैं अगर मतलब जैसे वो उस टाइप के मूड ही नहीं होते लोग, और इस टाइप के जो ओल्ड एज लोग होते हैं और ओल्ड एज जो फीमेल्स होती हैं वो लोग जो है ज़्यादा ऑफेंड हो जाती हैं कि भाई किस तरह से तुमने मेरे फ़ोटो बना दी मेरा मुझसे पूछे और ये वो फलाना. तो इस सब का क्रेज़ इंडिया में अभी तक नहीं आया है और होपफुली कि आगे आए जो आर्टिस्ट हैं हमारे इंडिया के और जो मतलब छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं या बड़े आर्टिस्ट हैं उनका क्रेज़ आए, और जो मतलब ऐसे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको मतलब काफ़ी अच्छा पे भी मिलता है और पैसे भी अच्छे कमा लेते हैं. मतलब अगर इंडिया में देखा जाए कि आर्टिस्ट को मतलब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं मतलब वो सोचते हैं कि यार इससे कितना कमा लोगे तुम यार, मतलब ये वो फलाना, मतलब उस तरह से सोचते नहीं हैं अभी तक इंडिया में जो होते हैं. आर्ट को लेके इतनी मेंटेलिटी नहीं बनी है इंडिया में, और होपफुली कि आगे बने. तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इसने किस तरह से मतलब बहुत ही क्विक स्केचिंग करके बनाई है, हालांकि इसको बहुत टाइम लगा होगा बनाने में, पूरा दिन इसको लगा होगा कि ये मतलब इस मेट्रो में बैठा और किस किस तरह से इसने लोगों को कन्विंस करा होगा कि मैं आपको ये मतलब यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ. काफ़ी लोग जो होते हैं यूट्यूब पे मतलब पब्लिकली आते भी नहीं हैं. गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और रिएक्शन मेरा पसंद आया हो और मेरा थॉट्स अगर इसके रिगार्डिंग अच्छे लगे हों तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी. गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.